हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने ये वाला वीडियो यहीं तक देखा था और ये उस वीडियो का पार्ट टू है। और यहाँ पे हम लोगों ने फ्रोजन योगर्ट खाया, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या है ये हम देखेंगे। तो चलो चलते हैं अंदर। ये जो है ड्रेस का शॉप है। वाओ, गर्ल्स का फेवरेट शॉपिंग ड्रेस वगैरह। तो चलो देखते हैं, बट मैं शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ, बस देखते हैं हम लोग, थोड़ा टाइम स्पेंड करके जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये सब जैकेट्स हैं एंड रीतम को लगता है ये वाली जैकेट अच्छी लग गई है, जो भालू की तरह दिख रही है, भालू की तरह। सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जैकेट का मैनुअल दिया गया है और अलग से इसके ऐसे पैक के अंदर। सो यहाँ पे ये जैकेट रीतम देख रहा है। अजीब लग जाए एंड प्राइसटा कत आ। सो इसमें जो है ऑफ करने के बाद भी इसका प्राइस है $475.99। ओ माई गॉड, रख दो इसको, रख दो, ज़रूरत नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट कुछ देखते हैं, ड्रेसेस। बहुत सुपर्ब लग रहा है मुझे, सो मैंने बोला रीतम को ट्राई करने के लिए। सो लेट्स सी कैसा दिखता है पाँव में पहनने के बाद। और यहाँ पे एक मुझे ये जूता दिखाई दिया, ये देखो, ओह माय गॉड, इतना कलरफुल है और पूरा मोजरी टाइप अजीब सा दिख रहा है, बट वही है जो शौकीन है वो पहनते होंगे ऐसा भी। वाह, ये जूता अच्छा तो लग रहा है एंड बट इसका प्राइस आप देखो, पहले 895 था, अभी डिस्काउंट के बाद 487 है। पता नहीं किस लिए इसका इतना प्राइस है। कियारा अडवानी ने भी अपनी शादियों को जिस तरीके का पहना था अपना सैंडल, ये पता नहीं क्या, मतलब इन लोगों ने क्या असली सोना लगा रखा है जो इतना महंगा ले रहा है। बट एनीवे, ये सोना नहीं है ऐसी डिज़ाइन के लिए, बट अच्छा लग रहा है ये चीज़। जूता भी बहुत सुंदर है, सैंडल, बट नहीं लेना नहीं है, चलो रख देते हैं, कभी लेंगे शौक से। सो विंडो शॉपिंग करके अभी हम जा रहे हैं। विंडो शॉपिंग कर लिया हम लोगों ने, अच्छा भी लगा, एक दो ड्रेस ही अच्छा लगा, बाकी कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा, बट इतना ज़्यादा प्राइस है, ओह माय गॉड। और अभी हमारा कोई पूजा फेस्टिवल कुछ नहीं है, जो मतलब क्यों, मतलब इतने महंगा तो खरीदने का मतलब नहीं बनता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। व्यू देखो आप पीछे का, बहुत ही सुंदर है एंड है ब्लॉसम ट्री में, ब्लॉसम हो रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। वाह, ये जस्ट ऐसे करने से ही, ये देखो। तो चलो चलते हैं गाड़ी के पास, हो रही है हमारी गाड़ी रेड कलर की, मैं आ रही हूँ। वो वहाँ पे म्यूजियम है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न, और उसी के साइड में था वो जहाँ पे हम लोग गए थे आउटलेट पे, और अभी जा रहे हैं हम वापस। पहुंच चुके हम लोग स्टारबक्स में, ड्राइव थ्रू से लेना है, तो अभी लाइन में वेट कर रहे हैं एंड कुछ चेंजेस भी आपको भी नजर आएगा। तो अभी हम लोग ड्राइव थ्रू से लेने वाले हैं कुछ खाने का आइटम, भूख लग गया है, चलो वेट करते हैं। ड्राइव थ्रू, तो ये आ गया हम लोग का खाना। चलो, सो हमने स्पिनच रैप लिया था स्टारबक्स से ड्राइव थ्रू से, तो हमने ले लिया है, अभी हम रास्ते में चलते चलते खाएंगे। सो मैंने कर लिया है आउटफिट चेंज, पीछे रखा हुआ है मेरा ड्रेस और अब हम फाइनली खाने वाले हैं ये जो हम लोगों ने खरीदा है। चलो खाते हैं। तो अभी हम लोग ये स्पिनच रैप खा रहे हैं, स्पिनच है, थोड़ा अजीब सा टेस्ट लग रहा है, मतलब अच्छा है, न्यू चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और मैंने ये आउटफिट भी चेंज कर लिया, ये भी आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। ये बिल्डिंग्स कितने सुंदर लग रहा है,
गाइज, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ डिट्रॉइट सिटी के बारे में। हमें जनरली क्या पता है कि जो हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज, वो सिटी के आउटसाइड से जाते हैं, बट डिट्रॉइट सिटी के जो भी हाईवेज हैं, ये पूरे सिटी के बीचों बीच से जाते हैं। टेक्नो सिटी, डिट्रॉइट टेक्नो सिटी। गाइज, डिट्रॉइट के इस पर्टिकुलर एरिया में आने से आपको रास्ते के दोनों तरफ काफी सारे पुराने बिल्डिंग्स दिखाई देंगे, जो कि पहले के टाइम पे वर्किंग फैक्ट्रीज थे, जो अब और यूज नहीं होते हैं। तो ये पुराने फैक्ट्रीज है, इतना जंक यार्ड है, तो इसीलिए है इंडस्ट्रियल सिटी। मतलब पहले जो था यहाँ पे बहुत ही अमीर एरिया था ये पूरा डिट्रॉइट, पूरे इनफैक्ट अमेरिका में। गाइज, यहाँ पे एक पुराने स्टाइल का चर्च था जो मैं दिखाना चाहती थी बट दिखा नहीं पाई, बट आई होप आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड रास्ते का व्यू भी आपने साथ में एंजॉय किया होगा। हम लोग गाइज आ चुके हैं टेंपल में, इसीलिए मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है। चलो, ड्रिंक का सीजन है, बहुत अच्छे से ये पता चल रहा है क्योंकि जितने भी पत्ते झड़ गए थे अभी सब पत्ते आ रहे हैं। ये वाला फ्लावर आप देखो कितना सुंदर है, वाओ। ब्लॉसम के पत्ते झड़े हुए हैं और यहाँ पे ये ट्यूलिप कितना सुंदर लग रहा है। चलो टेंपल के अंदर चलते हैं। सो हेलो गाइज, वी आर बैक एट होम, जैसे कि आप देख सकते हैं, और रात हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, टायर्ड हैं क्योंकि सुबह से निकले हुए थे, एंड बहुत ही एक्साइटिंग भरा दिन था हमारा आज का। न्यू एक्सपीरियंस भी किया, न्यू चीज़ें ट्राई भी की, और आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो तो ज़रूर कमेंट में बताना, और उसके साथ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय।